नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज पूरे देश से संविधान दिवस पे पूरे इंडिया गेट पे एकत्रित होने के लिए ऐसे संगठन, ऐसे लोग एकत्रित होते चले जा रहे हैं। आप हमारे साथ सारे बहुजन समाज के, नहीं पूरे देश के युवा जुड़ गए हैं जो अलग अलग पार्टियों से, हर एक संगठनों से लोग हैं। आनंद जी हैं हमारे साथ। आनंद जी, 26 नवंबर को कैसे आपकी तैयारी है? देखिए, 26 नवंबर हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है और मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कहता हूँ कि हमें सभी भारतीयों को इसे बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। दुनिया में इस पर्व को अपने अपने देश के लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं, हमें भी उसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। 26 नवंबर को मैं पहुंच रहा हूं अपने परिवार के साथ और इसी शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश में हम सबको मिलकर मनाना चाहिए, जय भारत जय संविधान। 26 नवंबर को आप कैसे पहुंच रहे हैं सर, वो बताएं। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पर इंडिया गेट पर पहुंचूंगा और भारत सब विश्व का सबसे अच्छा संविधान है तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। 26 नवंबर को फैमिली के साथ मैं पहुंचूंगा और पूरे जोर जोर से। गौतम जी, आप कहाँ पहुँचेंगे 26 तारीख को? 26 तारीख को हम पहुँचेंगे इंडिया गेट पे पूरे परिवार के साथ, पूरे ग्रुप के साथ। हाँ। और पूरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति के सारे लोग वहाँ होंगे। 26 नवंबर को आप तो पहुँच रहे हैं, लेकिन आपने क्या तैयारी करी है? आपने अपने यार दोस्तों को बुलाया नहीं बुलाया, उसके लिए बताएं। मैं अपने यार दोस्तों को भी व्हाट्सअप करूँगा, मैसेज करूँगा, फेसबुक पर भी वायरल करूँगा मैसेज, और अपने फैमिली के साथ 26 नवंबर को इंडिया गेट पे जाऊँगा और बड़ी ही धूमधाम से इस दिन को सेलिब्रेट करूँगा। 26 नवंबर के दिन आप अपना खाना लाएंगे या सबके साथ अपना ही खाएंगे या सबके साथ खिलाएंगे, ये बताएं। नहीं सर, हम पूरी फैमिली साथ अपना बना के ले जाएंगे, पूरे दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। और भी लोगों के लिए लाएंगे या सिर्फ अपने लिए लाएंगे? नहीं, सबके लिए लाएंगे, सबके लिए रहेंगे, पूरा ग्रुप के साथ की तैयारी बताएं साहब। 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन है और मैं लास्ट टाइम भी 26 नवंबर को गया था और ये राष्ट्रीय पर्व है और मैं इसको बड़े धूमधाम से मनाता हूँ। और जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं 2 दिन पहले ही वो उनको मैसेज कर देता हूँ, सेंड ड्रॉप कर देता हूँ और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इसको धूमधाम से मनाऊंगा। 26 नवंबर पर हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी है और ये भारत का संविधान जो है बहुत ही महान संविधान है। ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बढ़िया संविधान है और मेरी तैयारी ये है कि मैं भी इंडिया गेट पे जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ और यार दोस्तों को भी बता रहा हूँ और वहाँ पर हम बहुत ही हर्षोल्लास से 26 नवंबर को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। 26 नवंबर पे क्या करने का, तो एक अलग करने का क्या तरीका है वो बताएं सर। इस बार हम ये सोच रहे हैं कि कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करें, जैसे नेशनल फ्लैग है उसको लेके जाएंगे, बहुत सारा ग्रुप हमने बनाया उसको लेके जाएंगे और हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमें इसको हर साल अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं इस बार अपने दोस्तों के साथ, फैमिली तो जाती है और इस बार दोस्तों के साथ भी इसको मैं हम लोग वहाँ मनाने वाले हैं जी। संविधान दिवस पे आपकी क्या तैयारी है वो बताएं सर। 26 नवंबर संविधान दिवस भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार के तौर में हम इसे देखते हैं। 26 नवंबर को हर साल हम जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही हम 26 नवंबर को बर्थडे वहाँ पर जाकर सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हमारा प्लान है कि हम केक लेके जाएं, केक वहाँ पर कटिंग करें और सब लोगों को बड़े प्यार से बांटें और सब लोगों को बड़े अच्छे से उसको मनाने की कोशिश करेंगे यार दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। इस बार 26 नवंबर को हम ज्यादा संख्या वहाँ पहुँचने वाले हैं जी। 26 नवंबर पे क्या तैयारी है सर आपके और कैसे पहुँचेंगे? 26 नवंबर को संविधान दिवस है और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुँचूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने घर परिवार और मैं अपनी ससुराल को भी इन्वाइट करूँगा और मेरा जो तैयारी रहेगी अपने घर से अच्छा खाना बनाना और अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेके मैं संविधान दिवस इंडिया गेट पे पहुंचूंगा और अपनी पूरी फैमिली को लेकर पहुंचूंगा। आप पूरी देश की तैयारियां हो गई हैं संविधान दिवस पे, तो आप लोग भी अपनी तैयारी करें, अपने साथ फूल फल फ्रूट झंडे बैनर जो भी ले जा सकते हैं आप ले जाएं और सिर्फ अपने लिए ना बना के लाएं, पूरी टीम के लिए पूरे समाज के लिए लेकर आएँ ताकि 4 फैमिली आपके साथ भी बैठ के खा सकें। कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पे आप सेकंड को इनवाइट कर सकते हैं, एक गेट टुगेदर कर सकते हैं, फैमिलियर को इनवाइट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से। और क्यों ना बनाया जाए संविधान दिवस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान हमें देकर इस देश को एक आज़ादी दी है और हमको स्वतंत्र भारत के अंदर सांस लेने की जगह दी है। आज हम लोग जो भी पढ़ पाते हैं या महिलाएँ जागरूक होकर जो बाहर निकल पाती हैं वो संविधान की वजह से हैं। तो सभी देशवासियों को संविधान दिवस बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। तो अब हम लोग मिलते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस पर इंडिया गेट पे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर करें क्योंकि संविधान दिवस है। संविधान दिवस पे अगर आप कुछ कंपोज नहीं कर सकते तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वायरल करें।